वैशाली सुपरफास्ट मुजफ्फरपुर। थैंक यू। हे यू ऑसम पीपल, इट्स बॉय वीएस मोनू बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। सो टाइटल से पता चल गया कि आज का ब्लॉग किसके ऊपर होने वाला है। आपको पता, आपका भाई अलग करने के लिए ही जाना जाता है। तो आज हम ट्रेवल करने वाले हैं वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में। और पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा बिहार संपर्क क्रांति, एक मिनट, बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन का, वो भी जनरल कोच का सफर। तो कई लोगों ने बोला कि भैया वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच का आप वीडियो दिखाइए। तो इस ब्लॉग में मैं आपके डिमांड को पूरा कर रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रैवल करने वाला हूँ, वो भी जनरल कोच से। अभी फिलहाल मैं हूँ समस्तीपुर रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं जाऊँगा मुजफ्फरपुर यहाँ पर। और प्राप्त सूचना के अनुसार अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ रही है और भाई ने टिकट ले लिया, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भैया आप टिकट नहीं कटाते हैं। तो भाई आज हम दिखा ही दिए कि हमने टिकट लिया या नहीं लिया, आपने देख लिया। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और इस ट्रेन के बारे में बता दूँ, ये ट्रेन सहरसा से न्यू दिल्ली के लिए निकलती है। और ट्रेन का टाइम है सुबह 6:15 में, ये ट्रेन सहरसा से निकलती है और दिल्ली 7 बजे के लगभग, मतलब 6:50 टाइम है दिल्ली का, तो 7 बजे ये आपको दिल्ली ट्रेन पहुँचाएगी। और सहरसा के बाद इसका स्टॉप है मानसी, मानसी के बाद खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, गोरखपुर, कानपुर होते हुए दिल्ली सुबह में 7 बजे पहुंचाएगी। तो चलिए अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ रही है और समस्तीपुर में इसका टाइम है 10:15 और अभी 10:15 लगभग होने वाला है। ब्लॉग को पूरा एंजॉय कीजिएगा। और कुछ लोगों का सवाल था बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन के वीडियो के नीचे, कई लोगों ने कमेंट किया था कि, तो उसका सवालों का जवाब भी मैं इसी वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि जनरल बॉगी में सफर करने वाले लोग भिखारी होते हैं, तो इसका जवाब मैं क्या दूं? इसका जवाब आपको पैसेंजर देंगे जो ट्रैवल करते हैं, उसी से मैं पूछूंगा। और मैं आपको बता दूं, समस्तीपुर स्टेशन, समस्तीपुर जंक्शन बिहार का सबसे क्लीनेस्ट स्टेशन में से एक है। तो और अभी टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में जनरल बॉगी में सफ़र करना आप समझ सकते हैं भाई। आगे देखिए क्या होता है, मैं पूरा आपको दिखाऊँगा। और आपको तो पता ही है, आपका भाई अलग करने के लिए जाना जाता है। जनरल कोच का ब्लॉग शायद ही कोई देगा, मैं बराबर कोशिश कर रहा हूँ आपको जनरल कोच का ही ब्लॉग दूँ। इसके पीछे रीजन है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि लोग किस तरह सफ़र करते हैं जनरल बॉगी में, बस यही रीजन है और कुछ नहीं है। सफ़र करने का तो मैं भी कर सकता हूँ इसी में, लेकिन भाई जो रियलिटी है वो दिखाना था, इसलिए हम सोचे नहीं जनरल कोच का ब्लॉग देना बनता है। सभी लोग तो दिखाते ही हैं स्लीपर एसी का, तो क्यों ना हम अलग दिखाएं। तो इसलिए हम जनरल कोच का ही ब्लॉग आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। और इसके बाद फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से ट्रेन का आपको ब्लॉग चाहिए, बताइएगा। तो अब ट्रेन आने वाली है, बस वेट कर रहे हैं, जैसे ही ट्रेन आएगी उसके बाद आगे का सीन मैं आपको दिखाऊंगा। A few moments later. तो गाइस अपनी ट्रेन आप देख सकते हैं आ रही है वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और भीड़ देख लीजिए आप कितना भीड़ है। और हमें नहीं लगता है कि जनरल कोच में जगह मिलेगा, देखते हैं ट्राई करके। आपको तो ब्लॉग देना है किसी भी तरह, और कई लोग यहाँ पहले से इंतजार कर रहे हैं जनरल में सफ़र करने के लिए। अब देखते हैं जगह मिलती है या नहीं और अंदर जाने देता है। सामने देखिए ट्रेन आ रही है, साइड हट जाए। जनरल का हाल आप देख सकते हैं, कैसे इसमें जाया जाए कोशिश करते हैं। करने दीजिए। तो गाइस तो देखिए ट्रेन रुक चुकी है और भीड़ आप देखिए, ये देखिए भीड़,
इंजन के बाद इधर सारा बॉगी जो आप देख रहे हैं सब जनरल कंपार्टमेंट है। कई लोग अभी उतर रहे हैं, कई लोग चढ़ने के लिए खड़े हैं। अरे उतरने दीजिए, पहले उतरने दीजिए तो तैरिएगा। चलती गाड़ी में गाड़ी नंबर 5313 मुजफ्फरपुर से सियालदा वाया बरौनी चिरौल छाछा चितरंजन आसनसोल मुजफ्फरपुर सियालदा सो गाइज अपनी ट्रेन खुल चुकी है समस्तीपुर जंक्शन से और इसके बाद अगला स्टॉप है मुजफ्फरपुर जो कि अपना लास्ट डेस्टिनेशन है। और दिल्ली तक का सफ़र तो मैं पूरा करके नहीं दिखा सकता हूँ इस बॉगी में, आपको पता ही है टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ से दिल्ली तक जाने में भरता बन जाएगा तो इसलिए नहीं जा सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो जाके मैं दिखा सकता हूँ ब्लॉग, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, अभी तब तक शॉर्ट डिस्टेंस का ही ब्लॉग देखिए। और अब मैं आपको अंदर का हाल दिखाने वाला हूँ, वेट कीजिए। तो ये है जनरल कोच का हाल और ये ट्रेन सहरसा से निकलती है और अभी फ़िलहाल समस्तीपुर में ही है। सहरसा से समस्तीपुर के बीच में 24 बड़े बड़े स्टेशन आते हैं तो वहाँ जाते जाते क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको भीड़ दिखा रहा हूँ, बॉगी का हाल देख लीजिए। आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहते हैं, अवार्ड तो मिलना चाहिए। ट्रेन जा रही है, वो देखिए कहाँ बैठे, अजीब हाल है। चलिए मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। इससे पहले बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन का जो हमने वीडियो दिया था तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि जनरल बॉगी में सफ़र करने वाले लोग भिखारी होते हैं। तो चलिए भाई पूछते हैं क्या सच में भिखारी होते हैं। हम तो जनरल में सफ़र करते हैं, हम तो भिखारी नहीं है। लोगों से पूछते हैं शायद उनको जवाब मिल जाएगा। जनरल में सफ़र करने वाले लोग क्या भिखारी होते हैं? नहीं नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि भिखारी लोग इसमें जाते हैं, सही बात है क्या? जो ऐसा बोल रहे हैं उसके लिए कुछ शब्द बोलना चाहते हैं बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? वैसे लोग की मानसिकता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब जो लोग पीपल है उन लोगों के बारे में नहीं समझते वो पागल आदमी बोलते हैं भिखारी होते हैं, भिखारी होते हैं तो सबको पैसा दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, हाँ भिखारी होते हैं बाबू। तो फ्रेंड्स हमको लगता है जो सवाल किए थे उनको जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी लगता है जवाब नहीं मिला है तो बोलिए और लोगों से, मैं इनका जवाब लेने की कोशिश करूंगा। ताकि ऐसे लोग ऐसे ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं? सबके अपने अपने परिस्थिति होती है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम होते हैं, सबके अपने अपने सिचुएशन होते हैं, उस हिसाब से किसी को टिकट नहीं मिल पाता है क्या कर सकते हैं, जनरल लेवल पर सब किसी का परिस्थिति जान भी ना, किसी को बीमारी बोल रही है, ये गलत बात है, घटिया मत पूरी तरह से गलत है। जो लोग ये बोल रहे हैं अपनी मानसिकता आप समझ सकते हैं उसकी मानसिकता कैसी है। तो गाइस चलिए मैं आपको जनरल बॉगी का, जिस बॉगी में मैं हूँ, जिस कंपार्टमेंट में हूँ, इसका एक शॉर्ट टूर आपको दिखाता हूँ। आपको शायद ही कोई दिखाया होगा लेकिन क्या कहें, आपको पता ना आपके भाई को अलग करना पसंद है। देखिए जगह दीजिएगा, हल्का हल्का जगह दीजिए, हम देख सकते हैं किस तरह लोग बैठे हुए हैं। कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाइएगा? मुजफ्फरपुर जाना है। आगे बढ़ता आइए। अब देखिए जगह नहीं है, रास्ता नहीं आने का, लेडीज लोग सोए, खड़ी खड़ी हल्का हल्का जगह दीजिए भैया।
आप देखिए जनरल कोच का हाल। हाँ सुरती चल रहा है। चलिए ठीक है, कहाँ तक जाइएगा? दिल्ली तक। चलिए आपको तो सीट मिल गया, आराम से जाइए। कष्ट तो है ही, क्या कीजिएगा, कष्ट तो है ही। अब देखिए हटिए थोड़ा आगे जाने दीजिए, थोड़ा आगे जा। हटिए तो थोड़ा आगे जाने दीजिए। कितना का पानी, कितने का बोतल है भैया, कितने में दे रहे हैं पानी? 20 रुपये का है। प्रिंट कितना है, प्रिंट कितना है? 20 का है। कई लोग कर 15 का प्रिंट को 20 में देते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है? अब देख लीजिए कहाँ तक जाइएगा, दिल्ली तक, कुछ हाजीपुर तक जाना है। अच्छा तो गाइस देखिए आगे जाने का जगह नहीं है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता हूँ, फिर मैं पुनः अपनी जगह पे जा रहा हूँ। आप देख लीजिए क्या हाल है जनरल बॉगी का, एक बार भाई उधर घुमा दो, 360 एक बार घुमा दो आगे। कैमरा टच नहीं कीजिएगा इधर रखो। तो ये हाल है भैया जनरल बॉगी का। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था बिहार संपर्क क्रांति वाले ट्रेन में भाई एसी में सफ़र करने वाले लोगों को कैसे पता चलेगा जनरल बॉगी का हाल, तो कई लोगों को ख़राब लगा था। भाई माफ़ी चाहता हूँ, अगर आपको ख़राब लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं बस आपको यही दिखाना चाहता हूँ किस तरह लोग सफ़र कर रहे हैं, आप देखें। और दूसरे को भिखारी बोलने से पहले यार थोड़ा सोच ले, ये लोग भिखारी नहीं हैं, हम भी ट्रेवल कर रहे हैं, हम भी भिखारी नहीं हैं। चलिए आप जाने दीजिए अपने जगह, आगे उतरना है हमको। किस चैनल से दिखा रहे हैं? इस चैनल यूट्यूब के चैनल है अपना, यूट्यूब पर है। कौन सा चैनल? बीएस मोनू है। बीएस मोनू सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आ जाएगा बीएस मोनू। चलिए तरफ पर तो फ्रेंड्स आप देखिए बच्चा को बाथरूम लगा है और किस तरह उनके पिताजी ले जा रहे हैं बाथरूम, दिखा दीजिए थोड़ा कंधा पे। हाँ बस रोड पर कमरियन के भीड़ लगल बा, कमे चलाबा तेज पिया ड्राइवर हो, पिया ड्राइवर हो, धक्का धक्का करत करे, पिया ड्राइवर हो, धक्का धक्का करत करे। रोड पर कमरियन के भीड़ लगल बा, कमे चलाबा तेज पिया ड्राइवर हो, पिया ड्राइवर हो, धक्का धक्का करत करे, पिया ड्राइवर हो, धक्का धक्का करत करे।
सुल्तानगंज से आगे सुइया बाहर हो गाड़िया के तेज कर जनूरा पतार हो सुल्तानगंज से आगे सुइया बाहर हो गाड़िया के तेज चनी कर पतार चलो गाड़िया थार को दी घरई न लेत पिया डराई करे। तो गाइस अगर आपको नाच करवाना है, गाना गवाना है और छक्का पार्टी जो भी हो करवाना है, आपको नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, तो संपर्क सूत्र में आपको बता दें, नंबर है 6804-38-35-68 ये नंबर है, कॉल कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? मुनीला। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरह बच्ची लगी हुई है, देखिए भीड़, पैर रखने का भी जगह नहीं है। तो एक पॉलिथीन दे दो, लेकर आइए, जगह पे जा नहीं पाएगा समझे, रास्ते में सारा रह जाएगा। डोले जाइए तो फाइनली वी रीच मुजफ्फरपुर स्टेशन और अब यहाँ और भीड़ बढ़ने वाला है। अब देखिए ट्रेन से उतरते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। फाइनली वी रीच मुजफ्फरपुर स्टेशन और अब यहाँ से स्टेशन से बाहर निकलते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 11:30। इस ब्लॉग में यही लास्ट करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो करना तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? इस तरह का ब्लॉग शायद ही कोई देगा। जनरल कोच में ट्रेवल करना भाई इजी नहीं है, आप देख सकते हैं किस तरह इतनी गर्मी में लोग दिल्ली तक जाएंगे, आप समझ सकते हैं क्या हाल होने वाला है। और कई लोग बोलेंगे भाई अब दिल्ली तक का ट्रेवल करो, दिल्ली तक का ब्लॉग दिखाओ, तो दिल्ली तक का ब्लॉग भाई समय अभी नहीं है आपके भाई के पास, अगर टाइम मिलेगा तो दिल्ली तक का भी ब्लॉग दिखाएंगे जरूर। अभी थोड़ा टाइम का अभाव है, इस वजह से अभी मैं स्टेशन से बाहर उतर रहा हूँ मुजफ्फरपुर स्टेशन, और मुजफ्फरपुर का एक दो ब्लॉग आपके लिए मैं लाने वाला हूँ, तो तैयार रहिएगा।